वैसे वैसे तुम्हारा थॉट प्रोसेस और बढ़ता रहेगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। चलो तो बहुत बढ़िया। चलिए तो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ध्यान से, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसकी भी बातें कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पी एज इक्वल्स टू पी टोटल इंटू वाई ए। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ समझाने की वापस से कोशिश करूँ। अब जैसे मान लो ये था ना, ये सल्यूशन है ये वाला, जिसके अंदर ए और बी दोनों मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ तक तो लिक्विड है, यहाँ तक तो खाली लिक्विड है, लिक्विड भरा है, जिसके अंदर ए का भी लिक्विड है और बी का भी लिक्विड है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली में ए के और बी के दोनों वेपर्स हैं ना, मतलब ग्रीन कलर के भी वेपर्स हैं। अच्छा एक चीज़, हाँ एक चीज़, मुझे ये वाला ग्राफ देख के बताओ कि कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये वाला ग्राफ देख के ये बताओ कि ए ज़्यादा वॉलेटाइल है या बी ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये वाला ग्राफ देख के पहले तो ये कंफर्म करो वॉलेटाइल कौन है, ए ज़्यादा वॉलेटाइल है बी ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया है ना, ए ज़्यादा वॉलेट है, पी नॉट ए से देखेंगे, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा, पी नॉट ए से देखेंगे, पी नॉट ए जिसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वही ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, ठीक। चलो तो आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने एक चीज़ यहाँ पर किसको किससे डिनोट किया था, अच्छा इसको बी से, रेड को ए से डिनोट किया था और ग्रीन को बी से, ठीक है। तो ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वापस से इस पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है, वापस से इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। ये सॉल्यूशन है हमारे पास, थोड़ा जूम कर रहा हूँ उसको, ध्यान देना, ये सॉल्यूशन है हमारे पास ये वाला। तो अब इस सॉल्यूशन में देखो, यहाँ पर तो लिक्विड है, ये क्या है, ये तो लिक्विड है ना, इसके अंदर क्या है, ए बी है और बी बी है, ठीक है। अब ये होगा क्या, होगा क्या भैया, ये वेपोराइज होना स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें ए के भी वेपर आएंगे, बी के भी वेपर आएंगे, तो ए को तो हम रेड से दिखा रहे हैं, ए के वेपर्स को रेड से दिखा रहे हैं, तो ए तो ज़्यादा वॉलेटाइल ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं ए ज़्यादा वॉलेटाइल, तो इसका मतलब क्या होगा, ए के ज़्यादा नंबर ऑफ वेपर्स मिलेंगे, ठीक है, वेपर फेस में ए के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये जो मैं मॉलिक्यूल्स ऊपर बना रहा हूँ ये वेपर फेस में, और नीचे भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे लेकिन वो लिक्विड फेस में रहेंगे, तो मैंने ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना दिए, और है ना, ये वाला जो रेड है ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो ग्रीन है वो बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई, जो ग्रीन है वो बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई होप ये तो समझ में आया होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसी कुछ पिक्चर बनेगी हमारे सामने, ठीक है, जब वेपराइजेशन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ए ज़्यादा वॉलेटाइल है इसलिए उसके ज़्यादा नंबर ऑफ वेपर्स दिखेंगे हम। अब देखो ये जो ऊपर, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये कौन सी फेस में है भाई, ये गैसियस फेस में है ना, तो यहाँ पे गैसियस स्टेट्स में जो भी हम लॉ पढ़ते हैं वो सारे के सारे काम में आ जाएंगे, गैसियस स्टेट्स में जो भी लॉ पढ़ते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, काम में आ जाएंगे, ठीक है। आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी, मैंने तो इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया है कि पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैस कौन सी है, ए गैस है और बी गैस है ना, इस वेपर फेस में ए के भी, ए की भी गैस है और बी की भी गैस है, ठीक है। ए की गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज पी ए, और बी, बी वाली भी तो गैस है इसके अंदर, बी वाली गैस का प्रेशर हम ऑलरेडी वो भी डिफाइन कर चुके हैं, वो पी बी है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पर गैसेज, गैसियस मिक्सचर है ए और पी का, उसके अंदर दो प्रेशर होंगे, पी और पी बी होगा, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर हम जानते हैं, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। लिक्विड वाले पोर्शन पर कॉन्सनट्रेट मत करो, ऊपर वाले पोर्शन पर कॉन्सनट्रेट करो। वाई ए क्या है, अब देखो वाई ए क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन, लेकिन ए का मोल फ्रैक्शन कौन सा मोल फ्रैक्शन है, ए का मोल फ्रैक्शन विच इज़ इन वेपर फेस,
मतलब वो ए का मोल फ्रैक्शन है जो वेपर फेस में है। ए तो लिक्विड फेस में भी होगा और ए तो वेपर फेस में भी होगा, लेकिन मान लो अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो पी एज इक्वल्स टू पी टोटल इंटू वाई ए, तो ये वाई ए का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा तुम्हें। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, कंफ्यूज मत होना दोनों के बीच में, वेपर फेस। यहाँ पे हम कंप्लीटली वेपर फेस की बात कर रहे हैं। पहले जो हम एक्स से डिफाइन कर रहे थे वो ये बोल रहे थे कि भाई लिक्विड में, लिक्विड जब हमने मिक्स किया तो ए का कितना मिक्स किया और बी का कितना मिक्स किया, वो एक्स ए और एक्स बी था। अब जब कंप्लीटली वेपोराइजेशन हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, उसके बाद ए के वेपर फेस में कुछ मोल्स रहेंगे और बी के भी वेपर फेस में कुछ मोल्स रहेंगे, तो हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना वेपर फेस में, ए के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना वेपर फेस के अंदर। ठीक है, और टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर क्या है, ये टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर जो कि पी ए प्लस पी बी था, जो कि पी ए प्लस पी बी था। ठीक है, और ये पी बी तो वही है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही तुम पी बी को क्या लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर क्या होगा, टोटल प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो वाई ए वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर तुमको समझ में आ चुकी है ये चीज़ तो मुझे ये चीज़ कन्फर्म कर दो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और तुम लिख लेना ये चीज़, चाहे तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया था अभी मिटा दे रहा हूँ, वो तुम खुद से भी बना सकते हो तुमको अच्छा लगे तो। ठीक है, एक्स ए अलग चीज़ है, वाई ए अलग चीज़ है। ठीक है, आई होप तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं आई है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशन सही है। टेल मी, बताओ बताओ। भाई क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है, और अगर नहीं आई है तो अपनी डाउट्स पूछो। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है कि दैट वी स्टडी इन गैसियस स्टेट ना, वेरी गुड। देखो वी स्टडी इन गैसियस स्टेट ना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन टू टोटल टोटल प्रेशर। किसी भी गैस, मान लीजिए कंटेनर में तीन चार गैसेज हैं, तो तीन चार गैसेज हैं तो एक गैस का जो प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, और उस गैस का प्रेशर हम कितना लिख सकते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ गैसियस स्टेट में पढ़ाई जाती है। ठीक है, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा तुमने, पार्शियल प्रेशर किसी गैस का कैसे निकालते थे, उस गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। लिख लो फिर जल्दी से।
हो गया होगा नहीं? चलो तो अब हो गया, तो फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, उसको भी कर लो, ठीक है। सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन। चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व आराम से।
समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, क्या इसमें समझना है वैसे? वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का पी नॉट ए पी नॉट भी दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, जिसको हमने बनाया 25.5 ग्राम CaCl3 25.5 ग्राम ए के मिला के और 40 ग्राम बी के मिला के। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकता इस क्वेश्चन को। ठीक है, 5 बार समझने की कोशिश करो तो समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन में ऐसा जो पढ़ाया वही क्वेश्चन? समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, ऐसे कैसे हो? ठीक है भाई, अगेन एंड अगेन ट्राई करो, समझ में आ ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करो। और लोग निकालो भाई इसका आंसर, हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो। चार पांच लोग तो आंसर निकालो पहले, फिर बात करते हैं आगे।
ये देखो तुम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एस सी एल 3.3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एस टू सी एल 2 इज 0.7। तुमने मोल फ्रैक्शन शायद सेकेंड वाला क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं है। इसमें बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन वेपर फेस, मतलब हमें एक्स ए और एक्स बी नहीं चाहिए, हमें वाई ए और वाई बी चाहिए। तो गलत पढ़ा है आपने, ये क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। जिसने आंसर ऐसा दिया है 0.3 0.7, मुझे लगता है उसने एक्स ए और एक्स बी निकाला है, वाई ए और वाई बी की बात की गई है क्वेश्चन के अंदर। तो दो बच्चों का तो 347.9 mm एचजी आया है, फिर अराउंड सबका वही है 346.33, तो मुझे लगता है वही 346-47 के अराउंड आंसर सही होगा। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट। सो आंसर इज 347.72 mm एचजी। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटेड आंसर। तो ठीक है, 346-47 के अराउंड जो भी आंसर आ रहा है वो सही है। ठीक है, उसके ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। 345 से 350 के बीच के आंसर्स चलो सही मान लेते हैं, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन किया होगा तुमने। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे क्या है, सी एस सी एल थ्री और डाइक्लोरो मीथेन सी एस टू सी एल टू को मिक्स किया गया है। एक्चुअली वो दो सॉल्वेंट हैं, तो एक का जो वेपर प्रेशर है मतलब पी नॉट ए जो है वो है 200 mm एच जी, और पी नॉट बी क्या है 415 mm एच जी एच जी। तो दो सोल्यूशन है, उन सोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है, मतलब दो सॉल्वेंट है उन सॉल्वेंट को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया गया है। तो आपको क्या बताना है, वेपर प्रेशर बनाना है, बताना है सोल्यूशन का, जिसमें आपको ये बताया गया है कि ए का कितना मिक्स किया गया और बी का कितना मिक्स किया गया है। तो सबसे पहले हम ए के मतलब सी एस सी एल थ्री के मोल्स निकाल लें। सी एस सी एल थ्री का कितना मिक्स किया गया, 25.5 ग्राम। तो 25.5 ग्राम मिक्स किया गया है सी एच सी एल थ्री का। तो यहाँ पे उसका मास लिख लिया अपॉन इसका मोलर मास, मोलर मास तुम निकाल लेना 119.5 आएगा। तो यहाँ से जब तुम वैल्यू निकालोगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड कुछ 0.213 आएगी। ठीक है, तुम करके देख लेना। फिर ऐसे ही सी एच टू सी एल टू के मोल निकाल लो, उसके कितना मिक्स किया गया 40 ग्राम। तो 40 अपॉन इसका मोलर मास विच इज़ 80 85, तो यहाँ से कुछ 0.47 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सी एच सी एल थ्री के मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो इसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो ठीक है, टोटल मोल निकालने के लिए 0.213 0.47 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके 0.311 आ जाएगा। 0.311 क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन सी एस सी एल थ्री का। इसी प्रकार से तुम मोल फ्रैक्शन सी एस टू सी एल टू का निकाल लेना, सारा डेटा तो ऑलरेडी तुम्हारे सामने 0.688 आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए ठीक है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। पी नॉट ए कितना दिया है 200, इंटू एक्स ए कितना है 0.311, प्लस पी नॉट बी सेकेंड वाले का जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में वो 415 है, इंटू इसका मोल फ्रैक्शन 0.688 है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, यहाँ से फिर कैलकुलेशन करनी है। सो आंसर यू विल गेट 347.72। तो 347-46 के अराउंड जो भी आंसर है वो सही है, इतना चल जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना। आप देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है, मोल फ्रैक्शन चाहिए ईच कंपोनेंट का वेपर फेस में। ठीक है, वेपर फेस का मतलब है वाई ए और वाई बी चाहिए। तो वापस से देखो, पी ए क्या होता है, ए का पार्शियल प्रेशर टोटल इंटू वाई ए, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। तो वहाँ से वो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल लोगे, पी ए अपॉन पी टोटल, है ना। ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, ये वाला वाई ए और वाई बी का फॉर्मूला क्या होगा, वाई ए निकाल लिया, पी ए अपॉन मतलब किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए वेपर फेस में तो उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। लिसन, किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए वेपर फेस में तो करना क्या होगा, उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर, तो उसका पार्शियल प्रेशर पी ए, ये देखो पी ए, पी ए आ चुका है, पी ए आ गया 62.2। तो 62.2 को हमने पी टोटल से डिवाइड कर दिया, पी टोटल ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, वो है 347.72 mm एच जी। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो गेट 0.178 के करीब में आएगा। ठीक है, तो वाई बी निकाल लेना 0.178 घटा के कुछ। ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा, 0.82 आ जाएगा। तो एक कंपोनेंट का तो 0.178 आएगा मोल फ्रैक्शन, और दूसरे वाले कंपोनेंट का 0.82 आएगा। ये जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस में, जो ऊपर वेपर्स बन गए हैं उसके अंदर, ए का मोल फ्रैक्शन 0.178 है और बी का मोल फ्रैक्शन 0.82 है। ठीक है, ओके,
सो होपिंग कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुमको, अगर नहीं आया तो बताना, ठीक है? चलो तो जिसका नहीं हुआ लिख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ऊपर वाली चीज़ तो तुम खुद निकाल लेना। ठीक है, ये पी टोटल का सलूशन है यहाँ से यहाँ तक, सो हमने यहाँ से यहाँ तक पी टोटल निकाला है इसमें। एक मोल फ्रैक्शन निकल जाए तो दूसरा निकाल ही सकते हो वन में से सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि बाइनरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दो हमारे पास क्या थे, कॉम्पोनेंट थे वेपर फेस में। वेपर फेस में तो दो ही कॉम्पोनेंट है ना, एक ए है एक बी। अब कोई डाउट हो तो बताओ इस क्वेश्चन में। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, जिनका आंसर ऊपर नीचे आ रहा है शायद उन्होंने कुछ अलग तरीके से अप्रोक्सीमेशन किया है या कुछ तो किया है। ठीक है, करीब में तो सबका आंसर है तो देख लेना, मुझे लगता है मेथड सबका सही हो सकता है। ठीक है, ठीक है, कंफर्म में कि ये हो चुका है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मुझे कंफर्म कर दो, ये समझ में भी आ गया और हो गया है, लिख के हो चुका है तुम्हारा, तो इसका सोल्यूशन भी कॉपी कर लिया है तुमने। क्या चीज़ मतलब नो सर का मतलब, क्या समझ नहीं आया, क्या हो रहा है कि समझ आ गया है? मतलब डाउट नहीं है ये बोलना चाह रहे हो? ओके, सो इफ देयर इज नो डाउट देन, सो नाउ ट्राई योर हैंड ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट है, फॉर अ बाइनरी आइडियल सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन, इसका तो आंसर तुरंत बता दो। ठीक है, फटाक से बताओ इसका आंसर, इसका आंसर तुम्हें बहुत जल्दी से बताना है। ठीक है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी, हो सकता है तुम जल्दी से ना बता पा रहे हो, कोई बात नहीं, जितना टाइम तुम्हें लगता है उतने में बताना। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलो भाई बता दो। सबका आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी। बस दो लोग, यहां तो ए भी आ रहा है किसी का आंसर। बस चार पांच लोग ही आंसर दे पा रहे हैं।
चलो तो ध्यान दो भाई, ए भी पता नहीं कैसे आ गया आंसर, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखो याद कैसे रखना है इस चीज़ को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक्स बी आ गया ना, यहाँ पर एक्स बी आ गया, तो ये पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए होना चाहिए था। मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर एक्स बी आ गया है तो यहाँ पर तो पी नॉट ए होना चाहिए, ये सही है। लेकिन यहाँ पर पी नॉट बी, जो यहाँ पर बी रहेगा ना, तो उसके प्रेशर में से उस दूसरे वाले के प्रेशर को घटाएंगे, तो ए वाला ऑप्शन तो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो सी वाले ऑप्शन पर आ जाओ। तो यहाँ पर देखो ए है, ए है तो यहाँ पर बी है, सही है। लेकिन यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो सी वाला भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अब यहाँ पर डी वाला ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पर बी है ना, तो यहाँ पर पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए है, लेकिन यहाँ पर पी नॉट ए होना चाहिए। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर पी नॉट ए होना चाहिए, तो फिर से ये गलत हो गया। लॉजिकली याद रखना है। अब यहाँ पर देखो ए है तो यहाँ पे ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है, सही है। और यहाँ पर पी नॉट बी भी होना चाहिए, वो भी सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रटे नहीं रखना है फॉर्मूला ऑलवेज। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली भी चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी तुम्हें, लॉजिकली कैसे याद रखना है। ठीक है, दो प्रेशर का डिफरेंस रहेगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और पहले जो वाला प्रेशर लिखा है, मान लो ए लिखा है, तो उसके ब्रैकेट बंद करने के बाद एक्स ए लगा देंगे। ठीक है, और अगर एक्स ए आया तो प्लस करके क्या लिख देंगे, पी नॉट बी। अगर एक्स बी यहाँ पर लिखते, अगर मान लो यहाँ पर एक्स बी लिखते, तो फिर यहाँ पे क्या आता, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आता, और यहाँ पर पी नॉट ए आ जाता यहाँ पर। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ में आएगा लॉजिकली हम कैसे चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, ओके। फिर ये रहा क्वेश्चन नंबर टू, इसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन नंबर टू है। ठीक है, तो कर लो सॉल्व। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर दो अब इसी बात पे। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
हो जाए तो जल्दी बताओ इसका आंसर, ठीक है? फिर आगे और क्वेश्चंस करें। हो रहा है किसी से? नहीं हो रहा है। चलो अच्छा, सी ऑप्शन बता रही थी। मुझे लगता है लेट में तुम्हारा रिस्पांस मेरे तक पहुंचा। ठीक है, तो बहुत लोगों ने सी आंसर बताया, बिल्कुल सही है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही है। बहुत बढ़िया जिन्होंने सॉल्व कर लिया, और जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ध्यान दो, जिससे जिससे नहीं हुआ उनके लिए देखो ध्यान से। यू नो कि वाई कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ। आप यू नो वाई इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी एंड वाई बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी टी। सो ऑन डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशन वी विल गेट वाई अपॉन वाई बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी बी, है ना? ये मिल जाएगा अपने को। अब पी ए को क्या लिख देंगे? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी वाई बी को क्या लिख देंगे? पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना? मतलब पी बी को इतना लिख देंगे। तो यहाँ से देखो ये मिल गया वाई ए और वाई बी का रेशियो। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर नोट करके लिख लेना कि वाई ए अपॉन वाई बी, मतलब ये चीज़ नोट करके फिर से लिख लो, वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक तो दो तरीके से लिख लेना, वाई ए अपॉन वाई बी हो जाएगा, एक तो पी ए अपॉन पी बी। ये चीज़ नोट करके कहीं फिर से नोट्स में लिख लो, एक तो पी ए अपॉन पी बी लिख सकते हो, या इसी को फर्दर लिख सकते हो तुम पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, इस चीज़ को कॉपी में नोट करके लिख लो, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये एक रिलेशन, ये नोट करके लिख लो नोट्स में, ये वाला रिलेशन। ठीक है,
ये रिलेशन नोट करके लिख लिया नोट्स के अंदर, ठीक है, याद रखना ये वाला रिलेशन। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन नोट करके लिख लेना। अब आगे चलो बढ़ते, अब देखो ध्यान से, तो ये रिलेशन आ गया y अपॉन yb इज इक्वल्स टू इतना। अब देखो यहां से इस xb को मैं इधर ले गया और इस xa को मैं इधर ले आया, ठीक है, तो मुझे मिल गया p नॉट a अपॉन p नॉट b इज इक्वल्स टू y a इनटू xb अपॉन yb इनटू xa। एंड व्हाट आई नो, p नॉट a बड़ा है p नॉट b से, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी एक से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन वाई बी इंटू एक्स बी अपॉन एक्स ए, तो उसको एक से बड़ा कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ से ये एक्स से इधर चला जाएगा और एक्स बी नीचे आ जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा सीधे, वाई अपॉन वाई बी शुड बी ग्रेटर देन एक्स ए अपॉन एक्स बी, ठीक है। तो ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे करके, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा इसका सोल्यूशन, जिससे नहीं हुआ है क्वेश्चन। ये वाला रिलेशन वापस से नोट्स में इंक्लूड कर लिया, वाई अपॉन वाई बी का रेशियो पी अपॉन पी बी लिख सकते हो, या पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। ये ठीक है, ये सोल्यूशन हो चुका है क्या, मुझे ये कंफर्म कर दो कि ये भी हो चुका है, ये लिख लिया या हमने कर लिया, मतलब हो चुका है ऐसा बता दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो अगर हो गया है तो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये वाला करो, ये तीसरा वाला, ये वाला। DCA 3 कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, DCA 3 की जो भी डाउट्स हैं वो कल बता देंगे, तो आज रहने दो, तो कल पूछ लेंगे।
और लोग करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, कम से कम 3-4 लोग तो आंसर दो, फिर आगे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बी ए डी सारे तो ऑप्शन आ गए, ठीक है, कोई सी भी बता देना। बस हो गया, और लोग सॉल्व नहीं हो गए क्वेश्चन, सॉल्व नहीं हो रहा हो तो बताओ, डिस्कस करते हैं फिर आगे, या सॉल्व कर रहे हो तो वो भी कंफर्म करो, ठीक है, जैसा भी हो मुझे इसके बारे में कंफर्म करो फिर हम आगे बढ़े, लेके बैठने वाली बात तो है नहीं है। नहीं आ रहा है, चलो अच्छा ठीक है भाई, तो देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुतों ने तो तुक्के मारे हैं, कुछ भी आ गया उनका आंसर, ठीक है, तो पहले तो मैं आंसर बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर सही ऑप्शन ए है, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसीजर को, एक सेकेंड। अब देखो ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ, यू नो कि वाई ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, वाई ए, वाई ए आपने पढ़ा है कि इट इज़ पी ए अपॉन पी टी, है ना, तो यहाँ से अगर मैं वन अपॉन वाई ए कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पी टी अपॉन पी ए, ठीक है, पी टी अपॉन पी ए हो जाएगा। अब पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी टी को तो ऐसे ही रख दिया, पी ए को मैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए लिख सकता हूँ, है ना, ये समझ में आया होगा। अब वापस से देखो PT को क्या लिख सकते हो, PT को टोटल प्रेशर को क्या लिख सकते हो तुम, वापस से XA के टर्म में लिखना है क्योंकि हमें XA ही प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, ठीक है, तो XA के टर्म में लिखना है, तो XA के टर्म में ऐसे लिखेंगे हम, वापस से वही लॉजिक, XA यहाँ पर, तो यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और यहाँ पर पी नॉट बी, इस तरीके से लिख दिया है। अब देखो इसको सेपरेट कर लिया, मतलब पी नॉट बी अपॉन ये वाला टर्म पी नॉट ए XA, तो ये आ गया, ये एक टर्म बन गया, और फिर सेकंड वाले टर्म को लेके एक और टर्म बना दिया, मतलब पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, ये एक्स है, ये वाला एक्स है और ये वाला एक्स है, सेकंड टर्म में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो अब तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये वन, ये किसकी वैल्यू निकालना है, वन अपॉन वाई ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल चुका है, वन अपॉन वाई ए इज इक्वल्स टू, ये सारा का सारा वन अपॉन वाई ए इज इक्वल्स टू क्या है, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू वन अपॉन एक्स ए प्लस बाकी बचा हुआ ये वाला सेक्शन। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि वन अपॉन वाई ए को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है और वन अपॉन एक्स ए को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है, तो इसको एक समय के लिए वाई बोल दो, वन अपॉन वाई ए को वाई बोल दो
और वन अपॉन एक्स ए को एक्स बोल दो, तो फिर इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, वाई इज इक्वल टू पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स। ठीक है, इसको तो अपने हमने एक्स बोल दिया, एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है, इसको वाई एक्सिस पे रखा गया, तो एक समय के लिए इसको वाई बोल दिया, इसको एक्स बोल दिया। ठीक है, बचा हुआ ये चीज़ ऐसे ही आ गया। तो ये किसकी इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप फॉर्मेट बन गया ये। तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे हमने बोल दिया एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन जैसा दिखता है, तो वहाँ पे एम की जो वैल्यू होती है वो होती है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन भी बोला गया कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बट क्वेश्चन में स्लोप निकालना है, स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स का कॉफिशियंट। तो एक्स का कॉफिशियंट तो पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए है, तो इसका स्लोप जो आएगा वो आएगा पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा सबको, डाउट तो पूछ लेना। ठीक है, इंस्टीड इफ यू आर हैविंग डाउट यू मे आस्क। ठीक है, चलो तो इसको कॉपी कर लो आप। अभी बताओ कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताना। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो तुक्के भी लोग मारने लगते हैं। ठीक है भाई, तुक्के वाले लोग एग्जिस्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा दिन तक, मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, जिन लोगों ने तुक्के मारे इस क्वेश्चन के वो एग्जिस्ट नहीं करते, किसी ने बहुत जल्दी ही इसका आंसर दे दिया, पता नहीं दे कैसे दे रहे हैं, डी बी एटलीस्ट एक मिनट तो लगेगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि जैसे ही क्वेश्चन रखा वैसे ही आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्या, अभी जो पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट है, तो फॉर्मूला वही लगाया ना, वाई इज इक्वल्स टू पी अपॉन पी टी लाइक। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, मतलब इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बात करें। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो जिसको डाउट हो बता देना। चलो तो ये क्वेश्चन हो जाए तो बता देना। ठीक है,
चलो आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। ये डीसीए थ्री सबने सॉल्व कर लिया है क्या? अगर बात करें डीसीए थ्री की तो पहले तो डीसीए थ्री मिल गया क्या सबको? डीसीए थ्री ये देख लिया था ना सबने डीसीए थ्री? अभी बताओ सॉल्व कर लिया क्या डीसीए थ्री? चलो मिल गया, सॉल्व कर लिया क्या? सॉल्व कर लिया। सॉल्व मतलब ये गैस सॉल्व करने के लिए बोल रहे हो कि मिल गया इसलिए बोल रहे हो? सॉल्व कर लिए हो तो अच्छा ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं किया ना। चलो ठीक है, तो उससे कल डिस्कस करते हैं हम लोग, डी सी थ्री को कल डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है? अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो जिससे कि आपको ये फ्लो बना रहे।